वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो ऑफ गेन ऑफ ब्रेन। इस चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी जर्नलिज्म के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर जो भी पोस्ट निकलती हैं, जो भी वैकेंसी आती हैं, उसके लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं होता, और होता भी है तो वो उतना परफेक्टली नहीं होता। तो उस जॉब के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, इंटरव्यू में क्या आएगा, एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछा जाता है, इन सब की बातें अलग अलग पोस्ट को लेकर मैं सीरीज़ में बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट की जिसका नाम है असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर। असाइनमेंट डेस्क एक न्यूज़ चैनल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्क होती है, आप सब ने उसका नाम सुना होगा। वो डेस्क बड़ा हेक्टिक उसका काम होता है। जितने भी असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका काम होता है चीज़ों को लाइनअप करना, कवरेजेस जो जितनी भी होती हैं, उनके पास मेल्स आते हैं या कहीं से कोई ख़बर आती है कि फ़लानी जगह कवरेज होनी है, प्रेस रिलीज़ आती है किसी चीज़ के भी थ्रू, तो वो लाइनअप करते हैं कौन सा रिपोर्टर जाएगा, कैमरा यूनिट से सब जो बीच का जो लिंक ताना बाना बैठाता है वो असाइनमेंट डेस्क होती है। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है या कुछ भी लाइनअप करने में या मिस कोऑर्डिनेशन होता है तो असाइनमेंट से ही बोला जाता है कि आप जो है इन चीज़ों को लाइनअप कराइए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर की जॉब निकलती है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, पहले आपको एज अ ट्रेनी रखा जाता है वहाँ, तो आपको किसी के साथ एसोसिएट किया जाता है। पर एग्ज़ाम में और उसकी तैयारी के लिए, उस पोस्ट की तैयारी के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, जब अभी हम घर पर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि असाइनमेंट का काम क्या होता है, वो चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले उस तैयारी में सबसे पहला स्टेप जो है वो है उस पहली वीडियो का, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो बताई थी कि आपकी 60-70% तैयारी रहेगी अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज़ चैनल और उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था। वो वीडियो सारी पोस्ट के लिए कॉमन है। पहली वीडियो आप ज़रूर देखें, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम जर्नलिज्म में जाते हैं तो समझदारी वही है कि अगर कोई भी पोस्ट निकल रही है आप उसके लिए अप्लाई कर दें। अगर आप अपने लिए ऑप्शंस नहीं रखेंगे और केवल एक ही पोस्ट के लिए पैशनेट रहेंगे तो कई बार आपको बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो मुझे इतने साल हो गए हैं मीडिया में, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी मिले उसे ग्रेस्प कर लीजिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा मेरा इंटरेस्ट इसमें है, अब मुझे फाइनली इस पोस्ट के लिए जाना है। आप कोशिश करिए, कोशिश करते रहते हैं, आपको किसी ना किसी दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाती है। आप एक अच्छे न्यूज़ चैनल में उस पोस्ट पर होते हैं जो आपने सोचा था। सबसे पहले स्टेप में वो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। उससे सेकंड स्टेप की बात आती है कि हम घर बैठ के, जब हम स्टूडेंट हैं कॉलेज जा रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करें अगर हमें असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या हमारे मन में है कि हमें असाइनमेंट डेस्क बहुत अच्छी लगती है, वहाँ बड़े आपके PR जो है आपका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपके सारी बैठ के उस डेस्क पर सारी नेताओं से आपकी डायरेक्ट बात होती है, उनके PA जो होते हैं, असिस्टेंट्स जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं उनके, वो भले मिनिस्ट्री के हों या और भी किसी के हों, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हों, उन सबसे आपकी एक जान पहचान, आपकी एक बातचीत हो जाती है, वो लोग आपको बाय नेम जानने लगते हैं। तो कई लोगों को PR बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो जिसका भी जैसा मन होता है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है या उसका मन बनाता है। तो असाइनमेंट डेस्क के लिए आपको सबसे पहले जो ऑब्जर्व करना है वो ये है कि आप कोई भी प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल देखिए, या कोई भी एक डिबेट देखिए, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, किसान उठा लीजिए, या आप कोरोना का टॉपिक उठा लीजिए, या कोई भी नया टॉपिक आप उठा लीजिए जिस पर डिबेट होती है, दिन की जो हेडलाइन होती है मेन हेडलाइन, उस पर शाम को प्राइम टाइम में डिबेट वाला प्रोग्राम लगभग हर न्यूज़ चैनल चलाता है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक पे देखिए, उस टॉपिक को देखिए कि एक चैनल ने उसी टॉपिक पे डिबेट पे कौन कौन से गेस्ट को बुलाया है, ठीक है। फिर आप उसी टॉपिक पे दूसरे चैनल पे जिस पे बहस चल रही है उस डिबेट में कौन कौन है,
वो दोनों डिबेट का कंपैरिजन कीजिए कि ये इन दोनों डिबेट में आपको कौन सी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो समय के हिसाब से है, जो व्यूअर्स को बांधे रखने वाली डिबेट है। कई डिबेट तो ऐसी होती है कि आपका मन ही नहीं करता, आप तुरंत शोर इतना मच रहा होता है कि आप उसको चैनल को आगे बढ़ाते हो, सर में दर्द हो जाता है आपके। तो क्या अगर आपको ऐसी डिबेट चाहिए तो उसमें गेस्ट कौन कौन है ये देखिए। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कौन से न्यूज़ चैनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, गेस्ट का आना जाना न्यूज़ चैनल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर आप लोकसभा टीवी, अगर आप दूरदर्शन, अगर आप राज्यसभा टीवी, इस तरीके के टीवी चैनल्स पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमेशा नोट कीजिएगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला और मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिबेट्स नहीं होती हैं। वहाँ पर जो डिबेट्स होती हैं, वो जो लोग वहाँ पर आते हैं एज अ गेस्ट, जो असाइनमेंट जिन्हें बुलाता है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, अपनी अपनी बात तो रखते हैं पर बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देती। वहाँ पर सिर्फ लोगों को हमें कंटेंट बताना होता है, बायस्डनेस भी बिल्कुल भी नहीं होती है। वो सिर्फ चीज़ों को व्यूअर्स के सामने रखते हैं और वो व्यूअर्स को समझते हैं कि हाँ, इस टॉपिक पर व्यूअर्स की जो पूरी कोई भी ओपिनियन हो, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्लियर हो जाए। वो कंटेंट को इस तरीके से आपके सामने रखते हैं। फिर बात आती है कि कोई भी न्यूज़ चैनल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या अगेंस्ट गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, वो चैनल अगेंस्ट है तो वो उसी तरीके के गेस्ट को इनवाइट करते हैं। अगर कोई न्यूज़ चैनल उस प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्रो है, मतलब वो सरकार के साथ है, उसकी कमियों को भी एक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, कुल मिलाकर एक सीधी सी बात में वो सरकार के गुणगान करता है, वहाँ पर गेस्ट जो होंगे वो अलग टाइप के होंगे। वहाँ पर गेस्ट जो होंगे वो वही होंगे जो सरकार की अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलें, नेगेटिव चीज़ों को ना बोलें या बहुत कम बोलें। तो देखिए, ये आपको जब आप जर्नलिज्म में आएंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आजकल जैसे न्यूज़ चैनल्स की भीड़ हो रही है, मेन जो कंटेंट न्यूज़ है, जो लोगों तक पहुंचाने वाली बिना किसी की तरफ झुकाव के, भले वो नेगेटिव या पॉजिटिव, बहुत कम न्यूज़ चैनल्स ऐसे रह गए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ की पोस्ट निकली है, उसी हिसाब से आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अगर आपकी वो डिबेट में प्रो है तो आपको वैसे गेस्ट बुलाने हैं, अगर आपकी डिबेट अगेंस्ट में है तो आपको वैसे गेस्ट बुलाने हैं, और अगर आप न्यूट्रल चैनल में काम कर रहे हैं, किसी भी सरकारी चैनल में काम कर रहे हैं, तो आपको की गेस्ट की जो लिस्ट है वो अलग ही होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि गेस्ट को लाइनअप करना। अब गेस्ट को जो लाइनअप करते हैं, गेस्ट एक्चुअली जब आपकी डिबेट चलती है तो गेस्ट इस तरीके से बुलाए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें। कि किस चैनल की टीआरपी, तो अब मैं नहीं कहूँगी, टीआरपी में तो बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं आजकल, पर व्यूअरशिप किस चैनल की उस डिबेट में सबसे ज़्यादा रही, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। लोगों ने सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक पर किस डिबेट को देखा। आजकल तो आप यूट्यूब पे आप व्यूअर्स को गिन सकते हैं, देख सकते हैं कि इस डिबेट पर, इस चैनल पर ये डिबेट हुई थी, इतने व्यूअर्स थे इसके, और दूसरे चैनल पर जब ये डिबेट हुई थी तो इतने व्यूअर्स थे इसके। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि उसके व्यूअर क्यों कम थे और इसके ज़्यादा क्यों थे। तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन कौन से गेस्ट किस टॉपिक पर बुलाए जा रहे हैं, नेशनल चैनल में कौन कौन से गेस्ट बुलाए जा रहे हैं उसी टॉपिक पर, और रीजनल पर कौन कौन से गेस्ट बुलाए जा रहे हैं। इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप असाइनमेंट डेस्क पर जा रहे हैं, उसके लिए वैकेंसी कर रहे हैं। अब बात आती है एग्ज़ामिनेशन की। जब हम असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में 80% आपका वो आता है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, मतलब करंट अफेयर्स से भरा पड़ा होता है पेपर, और जो बाकी का 20-30% रह गया है उसमें आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है कि ये टॉपिक हमने रखा है, अब आप बताइए इसमें कौन कौन से गेस्ट को आप कैसे लाइनअप करेंगे, आप लाइनअप करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ये आप पूरा मुझे एक सिचुएशन लिख के बताइए। इस टॉपिक पर आपने यही गेस्ट क्यों बुलाए, आपने वो दूसरे गेस्ट क्यों नहीं बुलाए, इस तरीके के क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बाकी के 20% में आएंगे। और आपको जब आप ऑब्ज़र्व करने लगेंगे चीज़ों को, जब आप देखने लगेंगे कि हाँ ये गेस्ट इस टॉपिक पर आते हैं, ये गेस्ट इस टॉपिक पर आते हैं, जब आप न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, रीजनल को देखेंगे, नेशनल को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक गेस्ट को बुलाने की क्या गणित होती है, व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, उसी हिसाब से असाइनमेंट जो होता है उस चैनल के लिए काम करता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि हमारे यहाँ जब अभी वैकेंसीज निकली थी तब उसमें क्वेश्चन आया था कि 370 जब धारा हटी थी कश्मीर में,
तो एक प्रोग्राम, उस पर डिबेट प्रोग्राम जाना है, आप बताइए। आप ऑप्शंस दे दिए गए थे गेस्ट के, आप कौन कौन से गेस्ट को बुलाएंगे, कई बार ऑप्शंस नहीं भी होंगे, आप कौन कौन से गेस्ट को बुलाएंगे, आप जो है उनको क्यों बुलाएंगे, और उस डिबेट को आप क्या एंगल देंगे, क्या निकालेंगे, आप गेस्ट को क्या बोलेंगे कि आपको किस तरीके के जो है जवाब देने हैं, थोड़ा आपको गेस्ट को पहले बताएंगे या नहीं बताएंगे, इस तरीके की सिचुएशन वो आपको दे देंगे। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप कहीं किसी और चैनल से किसी और चैनल में स्विच कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, पर ये जो मेनली मैं सीरीज़ चला रही हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए चला रही हूँ जो बिल्कुल भी अभी अप्लाई नहीं किया है, कहीं उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो उनको अपना ऑब्जर्वेशन हर पोस्ट के लिए कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उस तरीके का मैं आपको ये सीरीज़ में बता रही हूँ। अब बात आती है इंटरव्यू की, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए, रिटन एग्ज़ाम बहुत कम चैनल्स में होता है, इंटरव्यू लगभग हर चैनल में होता है। इंटरव्यू में डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा आप फ्रेश हैं, फ्रेशर हैं, या आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, क्योंकि हर चैनल का लगभग जो बेसिक फॉर्मेट है वो एक ही होता है, बस आपसे आपका काम के बारे में पूछते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या थी पिछले चैनल में, आप क्यों छोड़ रहे हैं, इस तरीके के कॉमन सवाल पूछते हैं। पर अगर आप फ्रेश हैं तो वो आपको सिचुएशन देते हैं, आपको बल्कि डीपली आपको कितनी नॉलेज है उन चीज़ों की, आपको पता भी है किस तरीके से गेस्ट लाइनअप किए जाते हैं, क्या उनकी हायरार्की होती है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे और कोई टॉपिक दे देंगे, और बस यही होता है इंटरव्यू में। तो ये तरीका है जब आप अप्लाई कर रहे हैं असाइनमेंट डिस्क के ऊपर, तो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये था आज की वीडियो, और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ एक नई पोस्ट के साथ। कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।